उर्दू गज़ल की तारीख में बड़ी जख्मी से लेकर मीर सौदा फाजा मीर गर्ज से होते हुए आतिश नासिर से लेकर गालिब और मोमिन और दौक से होते हुए इकबाल तक जो रिवायत आती है उसके गज़ल की हियत में बहुत सारे नए तजुर्बात हुए हैं, बहुत सारी रिवायतें बदली, बहुत सारी बातें बदली गई हैं, लेकिन रिवायत इसकी एक मुकदम है और वो रिवायत है गज़ल की रुबानी ज़बान। गज़ल का रोमांटिक अप्रोच गज़ल की रुबानी ज़बान सबों में कॉमन है और तगज़ल की बुनियादी शर्त जो होती है वो मतलब उसका हुस्न से लबरेज होना वो उसमें शामिल है। इसके बाद अखबार के बाद बहुत से लोग सामने आए, लेकिन फराग गोरखपुरी रघुपति साहब फराग गोरखपुरी उनमें सबसे ज़्यादा नुमाया और अहम नाम है जिसने बहुत सी दुनिया को बहुत उर्दू गज़ल की दुनिया को फ्राहम किया है। इन्होंने हिंदुस्तानी असातीर हिंदुस्तानी नज़रियात को हिंदुस्तानी ज़बानों को ख़ासतौर पर संस्कृत और हिंदी अदब के गुजरात को लेकर चलते हुए नए तसव्वुर अदा किए हैं। उर्दू गज़ल को उर्दू गज़ल की ईरानी सूरत को बदला है। उर्दू गज़ल की ईरानी सूरत को अगर बदला नहीं है तो उर्दू गज़ल की ईरानी अरबी उर्दू गज़ल की ईरानी लबो लहजे को फारसी लबो लहजे को चेंज किया है, बदला है और फिर हिंदुस्तानी रंग आहंग अदा किया है। ये फराग का उर्दू गज़ल की तारीख पर सबसे बड़ा कारनामा है। फराग बुनियादी तौर पर एक आशिक पसंद मिजाज थे, आशिकाना मिजाज रखते थे, बहुत दर्द जिंदगी की तरफ भी रखते थे। ज़िंदगी के मामला भी उनके यहाँ बहुत ही खूबी से उजागर हुए हैं। ज़िंदगी उनका मेन पर छपा भी रहा है। ज़िंदगी के हवाले से ही वो कायनात पर नज़र रखते हैं, दुनिया पर नज़र रखते हैं और उसे अपनी तब्दीली से उस जहान में उस दुनिया में उस कायनात पर होने वाली तमाम तब्दीलियों का असर कबूल करते हैं। लेकिन उसके बावजूद वो तरक्की पसंद आहद में होते हुए के बावजूद भी उन्होंने तरक्की पसंद आहद या प्रोग्रेसिव एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी कॉल उसकी कोई भी आवाज़ नहीं सुनी है। वो कम्युनिस्ट मिजाज के आदमी नहीं थे बल्कि वो खालिद सरकार पसंद मिजाज के आदमी थे। ऐसा नहीं कि कम्युनिस्ट मिजाज के आदमी अगर वो नहीं थे तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बहुत आरिफाना और तसव्वुफ़ पर मबनी ख्याल लाते थे, ऐसा भी नहीं है। वो ज़िंदगी के एक ख़ास पैसेंजर थे, हयात का हयात के जितने भी तजुर्बात हो सकते हैं उसका बयान उन्होंने बतौर ख़ास अपनी गज़लों में किया है, अपनी गज़लों में किया है। आपको मैं बता दूँ कि उनका ये खूबसूरत मार्केट द्वारा शेर सबों की ज़बान पे रहा है कि फिदा तवस्सुम सुबह बहार थे, लेकिन फिदा सुबह तवस्सुम सुबह बहार थे, लेकिन पहुँच के मंजिल जाना पे आग भर आई। उसके अलावा भी कुछ अशार हैं जो फराग की शायरी के हयात कायनात की नुमाइंदगी जिस हयात कायनात की नुमाइंदगी मिलती है। ये तो रुबानी इजहार था जो मैंने बताया कि वो बहुत के मंदिर जाना पर उनकी आँख भर आई। फिजा तो सुबह सुबह बहार थी, लेकिन सुबह की फिजा जो थी वो बहार का तबस्सुम बहार की मुस्कराहट थी, लेकिन उसे उन्होंने आपदीदा होकर यादों की आपदीदगी से यह पहुँचने की जज्बातियत ने उनको जज्बों ने उनको इंतहा यहाँ पे मतबर मुस्तकम बना दिया है। लेकिन वो ये जानते हैं ज़िंदगी इसी का नाम नहीं है बल्कि उसकी कड़वी सच्चाइयाँ उसकी तरह हरकतें उसके यहाँ जो है मौजूद रहनी चाहिए। शायद वही है जो ज़िंदगी को अपना मरकज बनाता है और उसके तमाम छोटे बड़े मामलात को गज़ल की ज़बान में रोमांटिक ज़बान में आशिकाना ज़बान में पेश करता है। फिराक की ज़बान आशिकाना थी, फिराक की ज़बान आशिकाना थी, फिराक का मिजाज फतफियाना था, फिराक की ज़बान आशिकाना थी, मिजाज फतफियाना था। और फिराक के हयात कायनात के तजुर्बे वसी थे, ख़ासतौर पर ज़िंदगी के तजुर्बात उनके बहुत वसी थे, उनके एक्सपीरियंसेस जो भी हैं ज़िंदगी से मुतालिक उनमें बला की अरमान मौजूद है। ऐसी अरमान है जैसे लगता है कि गालिब की आवाज़ दोबारा जो है उभर रही है कहीं ना कहीं से। उनकी बुलंद आहंगी उनके हौसले उनकी कामयाबी का की मिसाल के ये बहुत बड़े बड़े शेर हैं
लेकिन फिलहाल वो शर्मिंदा से मैं आपको बता रहा हूँ जो उनकी या तो कायनात का कबूल पेश करती है कि हमें हयात वही दौरे कायनात वही, हमें हयात वही दौरे कायनात वही, जो जिंदगी ने बदल दे वो जिंदगी क्या है, हमें हयात वही दौरे कायनात वही, जो जिंदगी ने बदल दे वो जिंदगी क्या है। नर्दी आपके बड़े नाकद मैथ्यू और नर्द का कॉल है कि शायरी जिंदगी की तनकीद है, शायरी जिंदगी की तनकीद है, अफराक की शायरी में हमें जिंदगी की तमाम हरकतें जब अगर नजर आती हैं। शायर अफराक ने कहा है, रुकी रुकी सी शबे मर्ग ख़त्म पर आई, रुकी रुकी सी शबे मर्ग ख़त्म पर आई, और पाँव फटी वो नई जिंदगी, वो पाँव फटी वो नई जिंदगी नजर आई, अभी जमीन बशर मुंतजिर सी है गोया कि आदमी अभी फितरत का शाहकार नहीं, कि आदमी अभी फितरत का शाहकार नहीं, शाहकार नहीं, कि आदमी अभी फितरत का शाहकार नहीं। ये दरअसल उनके कलाम में नयापन हुआ, ये दरअसल तबियत का नतीजा है। ये इशार देखिए, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें और हम भूल गए हों तुझे, ऐसा भी नहीं छातीर तातीर तेरा या कोई जन्नत की हवा थी, सीने का खुलना के हुआ दर्द जिगर बन, सीने का हुआ खुलना के हुआ दर्द जिगर बन, तातीर तेरा या कोई जन्नत की हवा थी, सीने का खुलना के हवा दर्द जिगर बन, के हुआ तीजे का थकुलना कि हुआ दीद के हुआ दर्द जिगर बंद। बकौल करीमुद्दीन अहमद फिराक अपनी शायरी को इत्तेहाद ज़ेहन बताते हैं, मैंने बहुत सारे कंट्राडिक्शंस को बहुत सारे तादाद को लेकर उनमें एक खास यूनिटी पैदा की है फिराक गोरखपुरी ने, और उस यूनिटी से उन्होंने बहुत कुछ काम लिया है, शहरी तहजीबी काम लिया है, फनकारी का काम लिया है, और उससे सब के ख्याल में बहुत सारे इत्तेहाद को पेश किया है। उनके ख्याल मुंतशिर नहीं, उनके ख्याल मुंतशिर नहीं बल्कि बड़े मुसलसल और मजबूत ख्याल हैं। हालांकि गज़ल इंतशार ज़हनी की अलामत होती है, उसमें इंतशार मौजूद होता है, रज़ाकारी होती है, गज़ल का हर शेर एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, रज़ाकारी होती है, लेकिन रज़ाकारियों से दूर उन्होंने यहाँ बुनियादी तौर पर एक ख़ास यूनिटी का लुत्फ उठाने की कोशिश की है, पैदा करने की कोशिश की है और तुम्हों को बचाने की कोशिश की है। शेर है कि हयात हो के अजल तब से काम ले गाफिल, हयात हो के अजल तब से काम ले गाफिल, के मख्तसर भी है कई के मख्तसर भी है काय जहाँ दराज भी है। आलम मसरूर ने भी कहा है कि कबीर सदी की उर्दू शुरा में फिराक एक कहा है फिराक उर्दू बीसरी उर्दू शुरा फिराक के अलावा शख्सियत रखते थे, उन्हें उर्दू अदब के खिलासे की सरमाया अंग्रेजी अदब और हिंदी के अलावा रमी मीनारात का भी खासा इल्म है। दरअसल वो गज़ल मजीद हिजियत और नई तहसीबी से उसकी वजह से और रूप की रवाइयों की इंसानी क्रिया की वजह से उर्दू शायरी में किफाजी हैसियत के मालिक हैं। हमने पहले ही बता दिया कि फिराक गोरखपुरी ने हिंदी संस्कृत अंग्रेज़ी और तमाम जहाँ तक उनकी लियाकत थी दवानों का असर कबूल किया है और अपने यहाँ उसके तारीफ को बयान किया है, उसकी ज़बान के असरात को बयान किया है। ऐसा नहीं कि उन्होंने संस्कृत के अल्फाज उर्दू गज़ल में समो दिए हैं, ऐसा नहीं है, तसव्वुरात को दिया है संस्कृत के और हिंदी के मेटाफर्स को इस्तेमाल किया है, उन मेटाफर्स को जितनी बुलंदी से उन्होंने इस्तेमाल किया है उसकी मिसाल उनके अहद में किसी और के यहाँ नहीं मिलती। आप शेर देखें, पातक कुछ सादे नमूद तर से पातक कुछ सादे नमू नमू राधे नमू सबसे पातक कुछ सादे नमू राधे नमू आ रहा है एक कमचिन पर डबे पाँव शबा कामत है कि गोसार पर चढ़ता हुआ दिन है जोबन है कह चश्मे खुशीद तूफान इस गाँव को हम की वजहों को खाते हैं बह क्या हमें फिराक की गज़लों से मतलब है तो फिराक गलत की गज़लों में सिर्फ लज़्ज़त पसंदी की मुद्रास मुनासिब नहीं कि वो तो उसकी दस रातिर रमदास नाई के साथ साथ तकरीर पदी जिंदगी की आठ टोट उन पर भी निगाह रखते हैं जिसके लोग खाली खुद को उनकी शायरी के करीब पाता है। अगर ये कहा जाए कि अखबार के यहाँ पत्र हयात अखबार के बाद उर्दू शायरी को उन्होंने इतमान अतर किया कि बेजाना होगा, अगर ये कहा जाए कि अखबार के बाद उर्दू शायरी को उन्होंने एक बुलंद आंग अटा किया तो ये कहना बेजा नहीं होगा,
कहीं कहीं उनके यहाँ पर तुम्हें खाया तो कहना की कारफाई भी कारफरमाई भी मिलती है, जो हमें दावत की फिक्र अमल देती है। वो चूँकि फिराक के अच्छे नाकिब भी हैं, इसलिए उन्होंने अपने बारे में ये राय दायर की है कि मैंने अपनी गज़लों में ये चाहा है। फिराक कहते हैं अपने मजलूम में, मैंने अपनी गज़लों में ये चाहा है कि अपने हर अहले वतन को हिंदुस्तान समाज का रूह काम हिंदुस्तान समाज का और रूह का भी एक सेहतमंद तस्वुर दे दूँ। मैंने चाहा कि मेरी शायरी इसी धरती की शायरी रहे जो करोड़ों साल पुरानी होते भी हमेशा अपने आप को नया करती रहती है। ऐसा नहीं है उन्होंने ये मजारी अदा किया है, बल्कि उन्होंने इसमें एक इसलिए कायम की है, कि उन्होंने कहीं पर भी अपना अंदाज का दीवारा नहीं रखा है। पैगाम दिए हैं लेकिन उसका सुर धीमा है, उस पर कोई खतीबा खिलावत नहीं है, जिससे ये नहीं कि ये कहा जा सकता हो कि फिराक एक बड़े खतीब शायर जैसा नहीं है। उनका यहाँ पुकार है, जिंदगी की धीमी पुकार है, बड़ी पुकार भी है, लेकिन सबों में उनका लब मदम लब लहजा कार फरमा है और यही चीज़ उनको मुमताज़ो बरतर भी करती है। फिराक से कहा है कि मेरी हर गज़ल की आरज़ू तुझे सर से आके निकालिए, मेरी हर गज़ल की आरज़ू तुझे सर से आके निकालिए, मेरी फिक्र हो तेरा आईना मेरे नकबे हों तेरे पैर हम। फिराक की शायरी में ऐसा कसम के रास्ते मिलते हैं, सुरदास से कैफे पैदा की गई है। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो गम के बयान में हंसते और खेलते रहते हैं, मिलते रोते या लड़ाते नहीं। फिराक गम भी है मेरा हरीफ जिंदा दली, फिराक गम भी है मेरा हरीफ जिंदा दली, फसल दगी में या जो भी यारों को छेड़ सकता हूँ। फिराक अपनी शादी में तस्वीर इस तरह पैर राशि से गाड़ी और शर्म गली से काम लेकर फन शायरी को वक़ार बख्शा है। कहीं कहीं पर हिंदुस्तानी फलसफे और संस्कृत रजत से संवादे के बाद पेश किए गए अल्फाज या इतलाहात की कसरत नामानूस मालूम होती है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि उन्होंने अरबी फारसी की बजाय संस्कृत अरबी और हिंदी के अल्फाज से उर्दू के दामन को वसी किया। उनके इस्तारों में जो ख़ास इस्तारा सबसे सेंट्रल मरकजी इस्तारा है जिसमें उनकी पूरी शायरी बेस है, वो रात का तसव्वुर है, रात की कल्पना है। रात मतलब नाइट, शब रात एक ही जगह में फिराक रात को सारे तौर पर खूब बढ़ता है। उन्होंने खुद भी लिखा है कि रात की कैफियत है, रात की रमजियत इस तरह से जिस तरह से मेरे शहर में रजा बांधती है वो चीज़ कहीं और न मिलेगी। इसलिए किशा मगर फरमाई है पहलू में शब तार के है कौन सी दुनिया जिसके लिए आगोश है खोल रही है, पहलू में शब तार के है कौन सी दुनिया जिसके लिए आगोश है खोल रही है। फिर छिड़ते ही गज़ल बढ़ते चले रात के साए, छिड़ते ही गज़ल बढ़ते चले रात के साए, आवाज़ मेरी गैस में शब खोल रही है, आवाज़ मेरी गैस में शब खोल रही है। उर्दू गज़ल गोई की दुनिया में फिराक ने जो रंगोहंग पेश किया है उससे रिवायत बगावत का एक हकीक संगम कहा जा सकता है। उन्होंने अपनी मुतहदाना को शायरी के लिए शायद की जिस बार भी रिवायतें भी शायरी के विकास से बदलने वाले उर्दू शायरी रोशन तारीफ का जन्म आ रहा है। इक्कीस आदमी हो गया।